आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है इनमें से कौन से इनकरेक्ट हैं। तो गलत स्टेटमेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे और जो भी यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ये सीड डिस्पर्सल के साथ रिलेटेड है। तो सीड की अगर सिग्निफिकेंस हम समझने की कोशिश करें, ये तो हम जानते हैं कि हमारे जो एंजियोस्पर्म्स हैं यानी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो फ्लावर नाम के एक स्पेशलाइज्ड यूनिट के हेल्प से होती है। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन फाइनली उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है सीड की फॉर्मेशन। सीड कैसा स्ट्रक्चर होता है इसमें हम देखेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो एम्ब्रियो बना है ये इनक्लोज्ड होता है सीड कोट नाम के एक एनवेलप के अंदर। और जब भी इस सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, यानी ऑक्सीजन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वाटर है, ये सारी चीज़ें इसको मिलेंगी, तो इस सीड की जर्मिनेशन हो जाएगी। जर्मिनेशन से हमारा क्या मतलब है कि जो एम्ब्रियो इस सीड के अंदर था वो सीड कोट को तोड़ के बाहर आ जाएगा और एक यंग प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो बेसिकली प्लांट को अगर प्रोपिगेट करना है तो सीड की जर्मिनेशन ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले कि ये जर्मिनेट करे इसको सही जगह पे पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट प्लांट जो भी सीड्स प्रोड्यूस करता है वो पक पक के उसी के नीचे गिरते रहेंगे और वहीं पर उगते रहेंगे। इतने छोटे से रीजन में, इतने लिमिटेड स्पेस में इतनी डेंस प्लांट पॉपुलेशन का सर्वाइव करना तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए सीड डिस्पर्सल एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म या डिफरेंट एजेंट्स को यूज़ करते हुए प्लांट अपनी सीड को पेरेंट प्लांट से दूर भेजता है ऐसी जगह पर जहाँ उसकी ग्रोथ के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज और स्पेस अवेलेबल हो। और ये सीड डिस्पोजल का मैकेनिज्म काफ़ी वेरी कर सकता है। सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट दिए कह रहे हैं कि क्लेमेटिस के फ्रूट में हार्ड हेयर या स्पाइंस होते हैं हाइड्रोकोरी के लिए, तो इस स्टेटमेंट का तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बनता। हाइड्रोकोरी जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है वाटर के थ्रू सीड का डिस्पर्सल होता है, जैसे कि कोकोनट वगैरह में हम देखते हैं बॉयंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं जो कि पानी पे फ्लोट करते रहते हैं और ऐसे ही फ्लोट करते करते डिस्पर्स होकर काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी सीड को वाटर के थ्रू डिस्पर्स होना है तो जैसा कि हमने कहा उसमें क्या होना चाहिए, उसमें फ्लोट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, वो सीड बॉयंसी वाली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, हाइड्रोकोरी करने के लिए उसके पास हार्ड हेयर और स्पाइंस हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर तो वाटर के थ्रू सीड डिस्पर्सल में काम ही नहीं आएंगे, तो इस स्टेटमेंट को हम इनकरेक्ट कर देंगे। बाकी सब देखें तो बाकी सब सही लिखा हुआ है। टैरेक्सेकम के जो पेपर्स होते हैं विंड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, सही बात है। पेपर्स हम कह सकते हैं एक तरह का कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। कैलिक्स क्या होता है, फ्लावर के अंदर जो सेपल्स का वर्ल होता है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। और टिपिकली तो हमारे जो सेपल्स हैं वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर कभी कभी किसी प्लांट को अगर एयर करंट्स के थ्रू अपने सीड्स को डिस्पर्स करना है तो ये सेपल्स जो हैं मॉडिफाई होके पेपर्स नाम के ये स्लेंडर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में या फेदरी स्ट्रक्चर्स में बदल जाते हैं, ताकि वो सीड आसानी से एयर करंट्स पे कैरी हो सके, उसको बॉयंसी मिले, वो लाइट और हो जाए। तो टैरेक्सेकम यहाँ पे जो जीनस नेम यूज किया है ये हमारे गेंदे के जो फूल होते हैं मैरीगोल्ड उनके लिए यूज किया जाता है। और इस हमारी फैमिली में जो हमारी ब्रासिकेसी फैमिली यानी सनफ्लावर फैमिली है इसमें विंड डिस्पर्सल काफी कॉमन होता है, तो ये एग्जाम्पल भी सही दिया हुआ है और इसके पास पेपर्स होता है ये बात भी सही है। इसके मॉडिफाइड सेपल्स हेल्प करते हैं इसको एयर करंट्स पे फ्लोट करने में। फिर कह रहे हैं कि क्यूक्यूम्बर में हमें सेल्फ डिस्पर्सल का इजैक्यूलेटर मैकेनिज्म मिलता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। हम हर क्यूक्यूम्बर प्लांट की बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक स्क्वर्टिंग क्यूक्यूम्बर होता है जिसको स्पिटिंग क्यूक्यूम्बर भी कहते हैं, और इसमें क्या है, ये ना वाटर ना एयर ना किसी एनिमल किसी को यूज नहीं कर रहा अपने सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए, बल्कि हम कह सकते हैं इसके पास एक तरह का एक्टिव मैकेनिज्म है जहाँ पर कह सकते हैं एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म को यूज करते हुए ये इसका जो फ्रूट होता है ये एक सडन जर्क के साथ बर्स्ट हो जाता है। तो इस तरीके से सडनली बर्स्ट होके ये अपने सीड्स को इजेक्ट कर देता है और फोर्सफुली जब इसके सीड्स इजेक्ट होते हैं तो कई फुट दूर जाके गिरते हैं, तो एक तरीके से
बिना किसी एजेंट की हेल्प के सिर्फ अपने फ्रूट को सडन जर्क के साथ एक एक्सप्लोजिव मैनर में खोलने से या डहस करने से ये अपने सीड्स का जो है डिस्पर्सल कर रहा है। तो स्पॉटिंग क्यूकम्बर में हम ऐसा देखते हैं, जैक्यूलेटर मैकेनिज्म इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका फ्रूट जब बर्स्ट होता है तो एक म्यूसिलेजिनस लिक्विड के साथ में एक जेट के फॉर्म में इसकी सीड्स जो है वो बाहर निकल कर आती है म्यूसिलेजिनस फ्लूइड के साथ। तो इस तरह का मैकेनिज्म हमें स्क्वर्टिंग ककुम्बर में देखने को मिलता है, बात सही है। एंड फाइनली लिखा है कि जब एंट किसी सीड की डिस्पर्सल करते हैं तो इसको हम मिरमेकोकोरी कहते हैं, ये टर्म भी सही यूज की हुई है। वैसे ज्यादातर तो हम देखते हैं कि जिन सीड्स का साइज बड़ा होता है उनके लिए बर्ड्स और मैमल्स ही हमारे कॉमनली काम आते हैं। जो बड़े एनिमल्स हैं वो सीड्स का डिस्पर्सल ज्यादातर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एंट जो कि एक इंसेक्ट है वो जब सीड डिस्पर्सल में हेल्प कर रही है तो इसको हम मिरमेकोकोरी कहेंगे। वैसे ब्रॉडली जब हम किसी भी एनिमल को यूज कर रहे हैं तो जू कोरी का इसको नाम दिया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली एंट के लिए मिरमेकोकोरी कहना सही होगा। तो चारों स्टेटमेंट्स में से हमारी सिर्फ पहली स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट थी, बाकी तीनों ही सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हम मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।